बॉलीवुड का कपूर खानदान इन दिनों बहुत बड़े दुख से गुजर रहा है। ऋषि कपूर के निधन के बाद कपूर खानदान इस गम से अभी तक उबर नहीं पाया है। ऋषि कपूर अपने परिवार को अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनके जाने के बाद अब उनकी कई सारी यादें हैं जिसके सहारे उनका पूरा परिवार जी रहा है। ऋषि कपूर के जाने के बाद उनकी बेटी रिधिमा कपूर सबसे ज्यादा सदमे में है। पापा के निधन पर रिधिमा उनके पास नहीं थी, जिसका गम उन्हें हमेशा रहेगा। आए दिन पापा के साथ वो अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं। इन दिनों रिधिमा कपूर की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। उन्होंने अपनी लाडली की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। रिधिमा की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ऋषि कपूर अपनी लाडो का कन्यादान करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि रिधिमा कपूर ने साल 2006 में दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की थी। रिधिमा और भरत साहनी की पहली मुलाकात साल 1997 में लंदन में हुई थी। इसके बाद दोनों साल 2001 में मुंबई में मिले थे। रिधिमा और भरत साहनी ने लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। रिधिमा कपूर अपनी शादी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने इस खास मौके पर रेड कलर का लहंगा पहना था, तो वहीं भरत साहनी क्रीम कलर की शेरवानी में नजर आए। इस शादी में बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई थीं। इनमें सलमान खान, श्रीदेवी, श्वेता नंदा, रेखा सहित कई सितारों ने इस फंक्शन में शिरकत की थी। रिधिमा ने 23 मार्च 2011 को बेटी समायरा को जन्म दिया था। बता दें कि रिधिमा एक जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर है। आर नाम से उनका एक सफल ज्वेलरी ब्रांड है और ये लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी है। रिधिमा को बचपन से ही एक्टिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो सिंगिंग, फैशन और डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। सोशल मीडिया पर रिधिमा अक्सर अपने डिजाइन की हुई ज्वेलरी की फोटोज शेयर करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।